शहाने विधानसभा निवडणुकीचा ठोकला छड्डू म्हणाले राज्यात बहुमताचं सरकार आणि देशात आणखी तीस वर्ष राहणार आज पुण्यातील बालेवाडी परिसरात असलेल्या श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात भाजपची चिंतन बैठक पार पडते आणि या बैठकीच्या निमित्ताने अमित शहा हे भाजप पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांशी संवाद साधत आहेत तसेच अमित शहा यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीचं रणशिंग फुंकलेलं आहे यावेळी बैठकीत बोलताना अमित शहा म्हणाले लोकसभा निवडणुकीची सर्व कसर आता राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत भरून काढा आगामी निवडणुकीमध्ये मोठं यश मिळेल आणि राज्यात प्रचंड बहुमतात युतीचं सरकार येईल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे बाजीराव पेशवा आणि बाळ गंगाधर टिळक यांच्या पुण्यनिकरेमध्ये सांगतो आहे आत्ता तर फक्त दहा वर्षं पूर्ण झालीत पुढची तीस वर्ष भाजपचं सरकार या देशात येईल आपल्यातील आत्मविश्वासाला जागरूक करण्याची गरज आहे आपल्यातील मतभेद दूर करण्याची गरज आहे महान भारताची रचना ही केवळ भाजपच करू शकतं आणि याच आत्मविश्वासासह पुढं जायचं आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशातील गरीब नागरिकांना त्यांनी घरे दिली आहे शौचालय दिली गॅस सिलेंडर दिले वीज दिली, दिली गरिबांना अन्नधान्य दिलं पाच लाखांपर्यंत विमा दिला त्यानंतर आता देवेंद्र फडणवीस लाडकी बहीण योजना आणि लाडका भाऊ योजना देत आहेत गरीब कल्याणांचं कोणतंही काम काँग्रेस पक्ष करू शकत नाही किंवा त्याचा कोणता मित्रपक्ष हे काम करू शकतो गरीब कल्याणचं काम हे फक्त भाजपच करू शकतं असं म्हणत अमित शहानी काँग्रेसवर हल्लाबोल करत पुढील तीस वर्ष भाजपची सत्ता देशात राहील असा विश्वास व्यक्त केला आहे सारे लोक मीडिया के कुछ मीडिया हाऊस भी हमे गुमराह का प्रयास करे मे आज ओडिशा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मैं पार्टी का अध्यक्ष था मैंने कहा था 2014 का विजय पांच साल के लिए नहीं है आने वाले तीस साल के लिए भारतीय जनता पार्टी का शासन इस देश पर रहने वाला है और आज मैं महाराष्ट्र में बाजीराव पेशवा और शिवाजी महाराज और बाल गंगाधर तिलक की नगरी में कहकर जाता हूं अभी दस ही साल समाप्त हुआ है 30 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी का इस देश पर शासन करना हमने हमारे आत्मविश्वास को जागरूक करने की जरूरत है, हमारे पुरुषार्थ को बल देने की जरूरत है और हमारे आपसी मतभेदों को समाप्त करने की जरूरत है महान भारत की रचना केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है महान भारत की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी ने डाली हुई नई पर ही हो सकती है हमारी विचारधारा ही कर से इस आत्मविश्वास के साथ हमने आगे बढ़ना है दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें अंत्योदय का स्वप्न दिया था मोदी जी ने 10 साल के अंदर इस देश के 60 करोड़ गरीबों को घर गर दिया बिजली दी गैस का सिलेंडर दिया शौचालय दिया हर गरीब को प्रति माह प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज दिया पांच लाख तक का बीमा दिया और देवेंद्र जी अब लाडनी बहना और लाडली भैया भी देने जा रहे हैं। गरीब कल्याण का काम कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती कांग्रेस पार्टी के साथ ही भी नहीं कर सकते गरीब कल्याण का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। भाइयों बहनों ये कांग्रेस वाले कई सारे अपप्रचार कई सारे अपप्रचार यहां पर कर रहे हैं कि वो दलितों का गरीबों का पद दलितों का आदिवासियों का कल्याण करेंगे मैं आज पूछने आया हूं अट्ठावन साल तक आपका शासन रहा आपने गरीबों के लिए क्या किया महात्मा फूले अंबेडकर जी इनके रास्ते पर चलने का तो नाम तो दूर उनके उद्देश्यों को समाप्त करने का काम किया दस साल में हमने गरीबों का कल्याण करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया ब्यूरो रिपोर्ट एसबीएन मराठी पुणे